आई नो आजकल आप लोग शॉपिफाई का बहुत शौक रखते हैं और शॉपिफाई एक बबल की तरह फैल रही है और आप इसको यूज करके अपने कॉमर्स बिजनेस को बूस्ट करना चाहते हैं। मगर क्या आपको पता है कि अगर शॉपिफाई के साथ आपको मैं जो आज बताने लगा हूँ, अगर इन चीजों को आप इम्प्रूव कर दें तो ना सिर्फ आपके स्टोर की सेल्स ज्यादा होगी बल्कि आपका पैसा भी कम लगेगा और आपको रेवेन्यू ज्यादा आएगा। लेट्स डू इट। देखो शॉपिफाई क्या है। शॉपिफाई एक एक फ्रेमवर्क है, जैसे वर्डप्रेस, मैजेंटो, जुमला, ये कुछ टूल्स थे जो कि आज से 10-11 साल पहले बहुत हिट थे। इवन वर्डप्रेस अब भी है। सो शॉपिफाई में आप क्या कर सकते हैं वंडर्स अगर आपको कॉपी राइटिंग आती है। देखो जब आप एक स्टोर बनाते हैं, एक शॉपिंग का स्टोर बनाते हैं, उस आपने प्रोडक्ट सर्च कर लिया, आपने हंट कर लिया, प्रोडक्ट लाए ले आए। अब प्रोडक्ट को लेने के बाद आपने तीन बड़े काम करने होते हैं। अपनी वेबसाइट को सेट करना होता है विद विद कंटेंट। देखो वेबसाइट शॉपिफाई पर तो आप बना लोगे, मगर सबसे पहले आपको कंटेंट को अपने लिखना है, अच्छा कंटेंट। दूसरी चीज जो आपको लिखनी है वो है आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तीसरी चीज जो आपको लिखनी है वो आपको लिखनी है एड्स, यानी डिजिटल मार्केटिंग। सो यानी वेबसाइट कंटेंट अगर आप अच्छा लिखते हो एंड इफ यू नो कॉपी राइटिंग, तो आपको क्या एज मिलने वाला है, आपको तीन बड़ी फायदे होंगे अगर आपकी वेबसाइट कॉपी अच्छी है और आप कॉपी राइटिंग सीख के शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करते हो। सबसे पहले जब कोई लैंड करेगा तो उसको सिर्फ ये नहीं मिलेगा कि आप क्या बेच रहे हो, उसको ये पता लगेगा, क्योंकि आप एक कॉपी राइटर, आपको पता है कि लोगों के इमोशंस को, पेन पॉइंट्स को कैसे टारगेट करना है। तो आपको ये पता होगा कि अगर मैं इसको प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा हूँ इस पेज पर, तो कोई बंदा आके जो बाय करने वाला है वो अपनी डेली बेस में, अपनी जिंदगी में इस प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स यूज कर सकता है, आप वो बेहतर तरीके से लिख सकोगे। दूसरी चीज जो कि आप एक अच्छी वेबसाइट कॉपी लिखते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन जनरेट ईमेल्स फ्रॉम योर वेबसाइट, जो कि आज आजकल लोग करते ही नहीं है, और अगर करते हैं तो वो प्रॉपर मैनेज तरीके से नहीं करते। यानी लेट्स ज्यूम आप कंटेंट लिख रहे हो या ब्लॉग लिख रहे हो या आपने प्रोडक्ट अपनी लिस्ट किए अपने शॉपिफाई स्टोर पर, एक बंदा आके बाय करता है और वो आपको अपनी ईमेल देता है, आपने पॉपअप्स ऐड किए हुए ईमेल लेने के लिए। अब आप आपके पास एज्यूम करें कि 10,000 ईमेल लिस्ट बिल्ड हो गई है, तो इस ईमेल मार्केटिंग को कैसे बेहतर बनाया जाए विद द हेल्प ऑफ वन थिंग, कॉपीराइटिंग। अगर आपको कॉपीराइटिंग आती है तो आपको ये पता होगा और आपको ये लिखना आएगा कि अपनी एक ईमेल कॉपी कैसे अच्छे तरीके से लिखते हैं, और आप अपनी ईमेल मार्केटिंग से भी सेल जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको शॉपिफाई स्टोर है और आपको ईमेल मार्केटिंग आती है और आपको पता है कि कॉपी राइटिंग के थ्रू आप कैसे एक बेहतर तरीके से ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, तो यू कैन इंक्रीज ऑलमोस्ट 27 to 35% ऑफ योर सेल्स, क्योंकि आपको ईमेल्स से भी, ईमेल जो लिस्ट है उससे भी आपको सेल्स आ रही होगी। और तीसरी चीज वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग, यानी आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया है अपने शॉपिफाई स्टोर पर, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे बेहतर तरीके से प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को लिस्ट किया जाए। यानी अगर आपने जस्ट लिख दिया कि इसमें पांच चीजें इंक्लूड हैं, फॉर एग्जांपल हम एक बाइसाइकिल बाइक कर रहे हैं, हम एक टॉय बाइक कर रहे हैं, उसमें आपने लिख दिया ये प्लास्टिक से बना है, इसका ये डायमीटर है, इसका ये वेट है, ये है, ये तो नॉर्मल बंदे भी कर रहा है और इससे कोई फायदा नहीं होगा। मगर आप ये लिखते हो कि ये जो हमारी साइकिल है जो हम बेच रहे हैं, जब आपका बच्चा बैठेगा तो अगर ग्रेजुअली इसका वेट इंक्रीज होता है तो इसकी की ड्यूरेबिलिटी में इफेक्ट नहीं होगा, प्लस इसकी जो व्हील्स हैं वो प्लास्टिक के हैं और एक्स प्लास्टिक है जो कि अनब्रेकेबल है, ठीक है, इसके जो हैंडल्स हैं, इसके जो ब्रेक्स हैं, उन ब्रेक्स की रबर में लैदर यूज हुई है। अब ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि रबड़ और टायर और मैंने ये चीजें ऐड की और प्लास्टिक ऐड की, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर रबड़ मैंने ब्रेक्स में या मैंने लेदर ऐड की है ब्रेक्स में, तो उससे क्या फायदा होगा, उससे आपको बार बार ब्रेक्स चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। अब आपको समझ आई, अगर आप शॉपिफाई स्टोर लॉन्च कर रहे हैं और आपको एक कॉपी राइटिंग स्किल आती है, तो आप अपनी वेबसाइट को कितना जबरदस्त तरीके से इन्हांस कर सकते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखना। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट पेज है,
अपने प्रोडक्ट पेज पर अपने डिस्क्रिप्शन को कैसे लिस्ट करना है। अगर आप कॉपी राइटर तो आपको पता है कि जो मेरा 3-स्टेप फार्मूला है जो मैं आपसे अक्सर शेयर करता हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अपनी शॉपिफाई स्टोर पर लिखें तो ये 3-स्टेप फार्मूला मेरा यूज करें। सबसे पहले आप फीचर ऐड करें, उस फीचर का क्या बेनिफिट है और उस बेनिफिट से उनकी जिंदगी कैसे चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, अगर मैं इस ग्लास को ले लेता हूँ, ये एक ग्लास है, इसमें पानी है या चाय जो भी आप पी रहे हैं या कॉफी जो भी है। फीचर क्या है कि ये स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, फीचर ये है। बेनिफिट क्या है कि इसमें ठंडा और गर्म मुझे दोनों पता नहीं लगता। और इसका मीनिंग क्या है, यानी डेली बेस में जब मैं इस फीचर और इस बेनिफिट को कंबाइन करके यूज कर रहा हूं तो मुझे क्या फायदा हो रहा है और कैसे यूटिलाइज हो रहा है। मैं इसकी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दूंगा। अगर मैं एक एड लिखूं इस प्रोडक्ट के बारे में या इसकी डिस्क्रिप्शन लिखूं Shopify स्टोर पर, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और मैं अपनी गाड़ी में अपनी मर्सिडीज में जा रहा हूँ 120 की स्पीड से और मैंने इसमें चाय डाली और मैं कॉफी पी रहा हूँ, चाय नहीं, और मैं पीते हुए सिप लेते हुए मैं देखता हूँ कि मेरी राइट की तरफ से एक गाड़ी ओवरटेक कर रही है, वो भी सेम ब्लैक कलर की है और वो 120 स्पीड पर वो भी है। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक सिप लेता हूँ और अपने इस मग को मैं रख देता हूँ साइड पर और मैं एक्सलेटर देता हूँ, मैं 140 चला जाता हूँ और मुझे महसूस भी नहीं हो कि मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, ये गर्म है। इमेजिन कि मैंने आप लोगों से राइट नाउ पूरा एक सिनेरियो इमेजिन करवा लिया। बहुत से आप लोग आई एम डैम श्योर कि कमेंट में मुझे बताएगा कि आप लोगों ने एक काली गाड़ी भी इमेजिनेशन में ले आए होंगे, कॉफ़ी मग भी और ब्लैक मर्सिडीज भी। सो इफ़ यू कैन मेक देम थिंक, अगर आप उनको इमेजिन करवा लेते हैं कोई भी चीज़ अपनी कॉपी के थ्रू एज अ कॉपी राइटर, तो आपके प्रोडक्ट आधा बेच दिया है। राइट नाउ मैंने ये मग आप लोगों पर आधा बेच चुका हूँ क्योंकि मैंने तो इमेजिन करवा लिया आपसे और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको आप डेली लाइफ में यूज कैसे करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट, एज अ कॉपी राइटर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हुए अपनी एड कॉपी को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई स्टोर लॉन्च कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ तो पता है कि आपको ट्रैफिक चाहिए और आपको ये भी पता है कि ट्रैफिक लेने के लिए आपको पेड एड्स यूज़ करने पड़ेंगे। और आपको ये नहीं पता कि आप अगर एड रन कर रहे हैं तो आपको एड लिखने भी आना चाहिए और एड आपके लिए कौन लिखेगा। कॉपी राइटिंग इज स्किल जो कि आपको एड लिखने में मदद कर सकती है। अगर आप कॉपी राइटिंग सीखते हो और आप अपने डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपने स्टोर के लिए एड, शॉपिफाई स्टोर के लिए एड रन कर रहे हैं, तो आपके एड्स पैसा कम खाएंगे और आपको रीच और आपको रिस्पॉन्स एंगेजमेंट और आपको लीड्स और आपको परचेजेस ज़्यादा मिलेंगी। सो अगर आप शॉपिफाई स्टोर लॉन्च कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको समझें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में और आप कॉपी राइटिंग नहीं सीख रहे तो आप 60% ग्रोथ मिस कर रहे हैं, यानी सेल्स। अपना ख्याल रखें। अगर कॉपी राइटिंग आप सीखना चाहते हैं हमसे तो मैं आपके लिए जुलाई बैच ला रहा हूँ जो कि हमारा जुलाई का बैच है, डंडे वाली ट्रेनिंग, हमारी 4 महीने की कॉपी राइटिंग ट्रेनिंग है। उसमें इसी तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉपी राइटिंग से आप अपनी ई कॉमर्स या डिफरेंट बिजनेसेस को की सेल्स को बढ़ा सकते हैं और पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। नीचे दिए हुए लिंक या कमेंट में आप मेंशन करें या आप व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें, नीचे हमने ऐड किया हुआ वीडियो में। और अच्छी बात पता है क्या है कि 33% डिस्काउंट लगा हुआ है 5 जुलाई तक, उसको अवेल करो और आओ डंडे वाली ट्रेनिंग जो कि कॉपी राइटिंग की ट्रेनिंग है उसमें कॉपी राइटिंग सीखो और अपने स्टोर की लॉन्च को बेहतर बनाओ।